आज हम गरम मसाला बना रहे हैं। बाहर से भी ज्यादा घर में अच्छा बनकर तैयार होगा। अगर इस तरह से आप मसाला बनाओगे और सब्जी में डालोगे, सब्जी का स्वाद 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आप इसका कलर देखिए, कितना प्यारा कलर आया है। बाहर से इतना महंगा हमें गरम मसाला लाने की जरूरत ही नहीं है। घर में कम समय में और कम पैसे में बहुत ही अच्छा गरम मसाला बनकर तैयार होता है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोरमा, कुक विद मनोरमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गरम मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने गरम मसाला में जो जो सामान लगेंगे उन सबको यहाँ पर हमने निकाल कर रखे हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिए है साबुत धनिया। साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, ये मेन सामग्री है। सबसे पहला इसे हमने यहाँ पर लिए है, ये साबुत धनिया है। अगर चम्मच से मापा जाए तो ये 6 चम्मच है। जीरा लिए है, जो डेली यूज़ में हम जीरा यूज़ करते हैं ये वही जीरा है, 4 चम्मच है। 2 चम्मच यहाँ पर हमने बड़ी सौंफ लिए है और 2 चम्मच शाह जीरा लिए है। शाह जीरा खुशबू के लिए होता है। ये बेसिक मसाले हैं जो हमने लिए हैं। फिर खुशबू के लिए इसमें हमने और भी मसाले का यूज़ किए हैं। यहाँ पर हमने 3 चम्मच काली मिरी लिए हैं, 2 चम्मच लौंग लिए हैं, तेज पत्ता है 5 से 6, जावत्री है 3 और 4-5, दालचीनी है 5 से 6, बड़ी इलायची है 10 से 12, छोटी इलायची है और 1 जायफल लिए हैं, 3 चक्रीफूल लिए हैं यहाँ पर हमने, और बेड़गी मिर्च लिए है 10 से 12। गरम मसाले में मिर्च का यूज़ होता नहीं है, पर बेड़गी मिर्च अगर हम इसमें यूज़ करेंगे तो मसाले का कलर बहुत अच्छा लगता है और इसमें तीखापन तो होता नहीं है। सिर्फ कलर के लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ना डालना चाहो तो मिर्च ना डालो, पर अच्छा रहता है, इससे तीखापन तो होता नहीं है। सिर्फ कलर के लिए इसे हम यूज़ कर रहे हैं। इसका डंठल हम निकाल देंगे, सारे डंठल हमें निकाल लेना है। यहाँ पर हम 1 चम्मच नमक लिए है। नमक का भी यूज़ नहीं होता है, पर मसाले ख़राब ना हो इसके लिए यहाँ पर हमने नमक लिए है। नमक हम डालेंगे उसमें, और ड्राई जिंजर पाउडर है, अदरक का पाउडर है, सोट कहा जाता है जिसे, इसे भी हम इसमें यूज़ करेंगे। हमारे मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। सारे मसाले तो हमने ले लिए हैं, अब हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई रखे गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम मसाले डाल देंगे। पहले हम सौंफ, साबुत धनिया, जीरा इन सबको भुनेंगे। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसका मॉइस्चर निकल जाए बस उतना ही भुनेंगे हम, 1 से 2 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं भुनना है। अगर मसाले हम भुनना नहीं चाहेंगे, धूप आती है तेज, तो धूप में अगर रखेंगे तो मसाले भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसका मॉइस्चर निकल जाए, इसमें नमी ना रहे, इसीलिए भुना जाता है कि अगर हम मसाले बनाए तो हमारे मसाले ख़राब नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दिन तक का टिकना चाहिए, इसीलिए इसे भुना जा रहा है। सिर्फ मॉइस्चर निकले तक इसे हम 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अगर हम मसालों को ज़्यादा भुनेंगे और उसे मिक्सी में पीसेंगे तो पूरा जला जला मसाला का स्मेल आएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए इसे सिर्फ 70 से 80% बस इतना ही भुनना है, 100% हमें मसाले नहीं भुनना है। मसाले भुनते समय गैस की आंच मीडियम टू लो रखना है, हाई आंच पे हम इसे नहीं भुनेंगे। मसाले हमारे भुने जा चुके हैं, खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है इसमें से। अब इसे हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम खुशबू वाले मसाले डालेंगे इसमें और इसे हमें भुनना है। मिर्च भी डाल देंगे, इसे हम सिर्फ 1 मिनट भुनेंगे बस, इससे ज़्यादा हमें नहीं भुनना है क्योंकि इसकी खुशबू बरकरार रहनी चाहिए। बहुत महंगा मसाला मिलता है, बाहर से लाने से अच्छा हम घर में बनाए। ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, फ्रेश
फ्रेश भी रहता है और मसाले भी हम अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। घर में अगर हम मसाला बनाकर उसकी सब्जी बनाते हैं, सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाता है। मसाला जब हम बनाएं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर नहीं रखना है। मसाला तो वैसे ख़राब होता नहीं है, पर खुशबू में फ़र्क आ जाता है। फ्रेश मसाले में जितनी खुशबू रहती है, अगर उसे 3 से 4 महीना रख लेंगे तो उतनी खुशबू नहीं आती है। वैसे तो मसाला हम बना कर रखेंगे तो 1 साल आराम से चलता ही है, पर जब हमें घर में ही बनाना है तो ज़्यादा क्वांटिटी में हम क्यों बना कर रखें। थोड़ा थोड़ा बनाने का और यूज़ करना है, बस ज़्यादा ज़्यादा 2 महीने या 3 महीने चले, बस उतना ही मसाले में बना कर रखना है। ज़्यादा मसाले नहीं बना कर रखना है, क्योंकि तुरंत बन जाता है, फ्रेश रहता है, खुशबू अच्छी आती है। जब हम सब्जी बनाएंगे, सब्जी में मसाला डालेंगे तो सब्जी का खुशबू बढ़ जाता है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो पहले से ढेर सारी मात्रा में बनाकर क्यों रखना। देखिए अच्छे से भी भुना जा चुका है, गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे सारे मसालों के साथ में। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे, पूरी तरह से इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देना है। गरम गरम हम इसे नहीं पीसेंगे, पूरी तरह से इसे ठंडा कर लेंगे फिर पीसेंगे। मसाला हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। जायफल को हमने तोड़ लिए है, दालचीनी को भी छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा मिक्सर का जार है उसका ब्लेड ख़राब नहीं होगा। अब इसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और मसाला जब मिक्सी के जार में हम डालेंगे पीसने के लिए, तो बस हमें इतना ख्याल रखना है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें बिल्कुल पानी ना हो। 2 बार में हम इसे पीसेंगे। अब इसे हम पीस लेंगे, कंटिन्यू नहीं चलाना है। थोड़ा हम मसाला पीसेंगे फिर थोड़े समय के लिए रुक जाएंगे, कुछ सेकेंड्स के लिए, क्योंकि मसाला है, कंटिन्यू अगर पीसते रहेंगे ना तो उसमें से स्मेल आने लगती है, ऐसा लगता है जैसे मसाला जल गया है। उस हिसाब से हम इसे थोड़ा पीसेंगे फिर थोड़े समय के लिए रुक जाएंगे। देखिए मसाला हमने पीस लिए है, पर हम इसे ऐसे ही नहीं रखेंगे। मसाला को हम छान लेंगे, यहाँ पर हमने छलनी लिए है, आटा छानने की छलनी है, उसे हम छान लेंगे। छानने से क्या होता है कि जो भी मसाले का रह गया होगा, पीसा नहीं गया होगा मसाला पूरी तरह से, वो हम दोबारा पीस सकते हैं और मसाला हमें एकदम अच्छा फाइन बनकर मिलेगा। मसाला पीसते समय सारे मसाले बारीक हो जाए ऐसा तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इसके लिए इसे चालना बहुत ज़रूरी है, एकदम बाहर की तरह मसाला हमारा बनकर तैयार होगा। बाहर की तरह क्या, उससे भी अच्छा। आप एक बार इस तरह से बनाइए और सब्जी में डालिए, देखिए फिर कितना टेस्टी बनता है, उसमें खुशबू कितनी अच्छी आती है, खाने में कितना अच्छा लगता है। मसाले हमने छाने हैं, देखिए इतना रह गया है। अब इसे हम फिर से पीस लेंगे, इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। और जो बाकी के मसाले हैं उसे भी डाल लेंगे हम, इन सबको फिर से हम पीस लेंगे और फिर से हम इसे चालेंगे। इस तरह से हम तैयार कर लेंगे, पीसेंगे चालेंगे। दूसरी बार का भी हमने पीस लिए है, इसे भी हम चालेंगे। अब इसमें से जो भी निकलेगा, जो मोटा मसाला रह गया है, नहीं पीसा गया है, उसे हम फिर से पीसेंगे। देखिए मोटे मसाले अभी चाले नहीं जा रहे हैं, तो इसे हम फिर से पीस लेंगे और फिर से चाल लेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारे मसाले ख़राब भी नहीं होंगे, कुछ नुकसान भी नहीं होगा, सारा मसाला हमें मिल जाएगा। सिर्फ थोड़ा बहुत 1 से 2 चम्मच ही मसाला रह जाता है जो पिसा नहीं जाता है, बाकी सारे पीसे जाएंगे। इसे हम पीस लेते हैं। इसको भी हम चाल लेंगे, सिर्फ थोड़े हैं, 1 से 2 चम्मच जो नहीं पीसे जाएंगे। देखिए सारा मसाला हमने बनाकर तैयार कर लिया है, अब इतना है, ये चाले नहीं जा रहा है, इसे हम दोबारा पीसेंगे भी नहीं, सिर्फ 1 चम्मच ही बचा है, इसे अब हम फेंक देंगे। मसाला हमारा सारा पीसा जा चुका है, बनकर तैयार है। अब इसमें हम जिंजर पाउडर, सौंफ डाल देंगे और नमक,
अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा घर में मसाला बनकर तैयार होता है, समय भी ज्यादा नहीं लगता है, पैसे की भी बचत होती है और खाने का स्वाद तो बढ़ता ही है। तो क्यों ना हम घर में ही मसाले बनाए, बाहर से हमें लाने की कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा मेहनत है नहीं, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है, तो बाहर से लाना ही क्यों, सब हम घर में ही क्यों ना बनाए, अच्छा बनाए, अच्छा खाए, टेस्टी खाना बनकर तैयार होता है। कलर देखिए मसाले का कितना अच्छा कलर आया है, पेड़गी मिर्च हमने इसीलिए डाले थे कि इसमें कलर आ जाए मसाले का, देखने में अच्छा लगे। देखिए कितना मसाला अच्छा हमारा बनकर तैयार है, बस सिर्फ एक चम्मच, छोटा चम्मच से अगर आप एक चम्मच भी मसाला डालोगे, सब्जी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। इसकी खुशबू देखिए कितनी अच्छी आ रही है, कलर भी देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मसाले हमारे सारे पीसे जा चुके हैं, बनकर तैयार है, पर गरम मसाले को हमें इस तरह से खुला नहीं छोड़ना है, इसे हम डिब्बे में रखेंगे, साफ सुथरा डब्बा रहना चाहिए और उसमें पानी ना रहे, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। डिब्बे में हमें तुरंत भर देना है, वैसे ही खुला मसाला नहीं छोड़ना है, नहीं तो सारी खुशबू इसकी चली जाएगी। आप इस तरह से मसाला घर में जरूर बनाइए, और आपको मसाले की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मसाले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और एक बार इस तरह से मसाला जरूर बनाइए घर में, इस तरह से गरम मसाला बनाइए, सब्जी बनाइए इसकी, फिर उसके बाद में आप लाइक करिए और कमेंट करिए। देखिए मसाला सारा हमने डिब्बे में भर दिए हैं, अब ढक देंगे इसे। देखिए सुपर टेस्टी हमारा मसाला बनकर तैयार है, आप एक बार इस तरह से मसाला जरूर बनाइए, आपको पसंद आएगा ही आएगा, इतनी टेस्टी इसकी सब्जी बनकर तैयार होती है।